अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आपका स्मार्ट किचन में। आज हमारे किचन में बनने वाले हैं, तो यहाँ पर हमने ये दो पाए ले लिए हैं और इन्हें अच्छे से धो लिया है। तो सबसे पहले हम पाए को गला लेंगे। पाए को गलाने के लिए हम डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर और एक चम्मच डाल देंगे इसमें नमक और दो से तीन गिलास के करीब डालेंगे इसमें पानी। पानी को आप अपने हिसाब से देख लें, जितने पानी में ये गलेंगे उस हिसाब से आप पानी डाल दें। हमने इसमें ढाई गिलास के करीब पानी डाला है। अब इसकी लिड कवर कर देंगे और फुल फ्लेम पर तीन से चार सीटी ले लेंगे। इसके बाद हम गैस को स्लो रखेंगे और स्लो फ्लेम पर 12 से 15 मिनट इसे पका लेंगे। मटन के पाए हैं तो इसे गलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आप अपने हिसाब से टाइम सेट कर लें। जितने में आपके मटन के पाए गलते हों उस हिसाब से आप इन्हें गला लें। तो ये देखिए पाए बहुत अच्छे से गल गए हैं। अब ये हड्डी को मटन छोड़ दे तो समझिए कि बहुत अच्छे से ये पाए गल गए हैं। अब हम इसकी ग्रेवी तैयार कर लेंगे। तो एक गंज में दो बड़े चम्मच के करीब तेल को गरम कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे साबुत मसाले, शाहजीरा, लौंग, तेजपत्ता, काली मिर्च, हरी इलायची, बादियान फूल और बड़ी इलायची। तो ये सारे मसाले हम इसमें डाल देंगे। मसालों को हल्का सा तड़काने के बाद में अब इसमें प्याज, अदरक, लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने तीन मीडियम साइज की प्याज ली, इसे पीस लिया, इसका पेस्ट बना लिया है। एक टेबल स्पून अदरक का पेस्ट और एक टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट। तो ये प्याज, अदरक, लहसुन का पेस्ट डाल देंगे इसमें। अदरक, लहसुन और प्याज के पेस्ट को थोड़ी देर भूनने के बाद में अब इसमें हम पाउडर मसाले डालेंगे। अच्छा, इसमें मसाले बहुत कम जाते हैं। जितने कम मसाले जाएंगे पाई की सालन जो है वो उतनी ही अच्छी बनेगी। तो यहाँ पर हम लेंगे एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर आधी छोटी चम्मच, हल्दी पाउडर आधा छोटी चम्मच, धनिया पाउडर दो चम्मच और यहाँ पर आधा चम्मच लेंगे नमक। नमक हम पाए में डाल चुके हैं तो यहाँ मसाले के हिसाब से ही डालेंगे और बस ये सारी चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे। अच्छा, इसमें हम पानी थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और मसाले को बहुत अच्छे से भून लेंगे। तब दानेदार मसाला दिखने लगे और ये सारा तेल जो है मसाला छोड़ दे। तो इसे हमें तब तक भूना है, फ्लेम हम मीडियम पर रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर ही इसे अच्छे से भूनेंगे। तो ये देखिए मसाले को हमने अच्छे से भून लिया है, मसाला अच्छी तरह भून गया है। इसमें हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाला और मसाले को अच्छे से भून लिया है। ये देखिए मसाले ने ये तेल भी छोड़ दिया है। अब इसमें हम डालेंगे दही, क्योंकि इसमें टमाटर या और कोई सी खटाई जाती नहीं है। वैसे दही भी बहुत से लोग इसमें नहीं डालते हैं, लेकिन अगर आप इसमें दही डालेंगे तो इसका टेस्ट जो है वो और बढ़ जाएगा। तो ये आधा कप दही ये डाल देंगे और दही हमने यहाँ पर थोड़ा सा खट्टा, तो बस दही के पानी सूखने तक इसे और भून लेंगे। मसाला जब अच्छे से भून जाए, तेल जब आ जाए ऊपर मसाले के, इसके बाद हम डालेंगे इसमें पाए और ये पाए का पानी भी डाल देंगे इसमें हम। इसमें हमने पाए का पानी डाला और आधा गिलास के करीब पानी और डाल दिया है। बस अच्छे से करेंगे इसे मिक्स। आप अपने हिसाब से देख लें, क्योंकि पाए की सालन जो है वो थोड़ी सी पतली ही अच्छी लगती है। तो हमने यहाँ पर जितना पाए का पानी था वो डाल दिया और आधा गिलास पानी और डाल दिया। ये देखिए ग्रेवी बहुत गाढ़ी भी नहीं और बहुत पतली भी नहीं है। फ्लेम अभी यहाँ पर हम थोड़ा सा स्लो रखेंगे और स्लो फ्लेम पर इसे अच्छे से पका लेंगे। तो बस थोड़ी देर ढक कर पकाने के बाद में ये देखिए पाए की सालन बनकर तैयार है। गैस को हमने कर दिया है बंद। एक बार इसे मिक्स करेंगे और इसमें हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया करेंगे और इसे कर लेंगे डिश आउट। बहुत मज़े की ये पाए की सालन बनी है, आप इसे ज़रूर बनाएं। सर्दियों के मौसम में आप इसे ज़रूर खाएं, क्योंकि ये घुटनों के दर्द के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए बहुत फ़ायदा पहुँचाती है। रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताएँ। रेसिपी पसंद आई लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते एक नई रेसिपी के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।